स्टूडेंट्स, कल हमने भारों पे परिवार पढ़ा था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की। हम बुक पढ़ रहे हैं जो कि हमारी यूजीसी नेट की यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये पूरी यूनिट हमारी पूरी जो भी टॉपिक है ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने इनमें कुल जैसे संसार में मुख्यतः लगभग 12-13 परिवार होते हैं, ठीक है। उनमें हमने पहला पढ़ा भारोपीय परिवार, तो आज हम दूसरा पढ़ेंगे। देखिए द्रविड़ परिवार, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बुक को पढ़ने पर, ये बुक इतनी सरल तरीके से लिखी गई है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इनको इतना सरल तरीके से लिखा है कि आपको भाषा विकास को पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसको पढ़ के आप फिर बाद में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक पढ़िएगा, आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगी और आसानी से याद होएगी, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार, इस परिवार का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण भारत है। कौन सा? दक्षिण भारत। किंतु इसकी कुछ भाषाएं उत्तरी भारत पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। इनकी जो मुख्य भाषाएं हैं, प्रमुख भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इस परिवार की भाषाओं ने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि, शब्द समूह, व्याकरण तीनों की ही दृष्टियों से प्रभावित किया। जो हमने ऊपर भारोपीय परिवार पढ़ा, उस परिवार में इस परिवार की हमारी जो यूट्यूब पर आपको इस प्लेलिस्ट में पहली फर्स्ट पार्ट की क्लास मिलेगी, उसमें हमने भारोपीय परिवार पढ़ा है। आप पहले वो क्लास देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी के बाद आपको आगे की क्लासेस बहुत सरलता से समझ में आएंगी। ये सीरीज पूरी कंप्लीट बुक कराई जाएगी। इस परिवार आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस परिवार की भाषाओं ने क्या करा? भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि, शब्द समूह और व्याकरण तीनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया, ठीक है। क्या किया? तीनों ही दृष्टि से प्रभावित किया। आगे देखिए, अनेक विद्वानों के अनुसार संस्कृत और उससे निकली हिंदी आदि भाषाओं में ट वर्गीय, आदि भाषाओं में क्या हुआ? ट वर्गीय, देखिए ट वर्गीय ध्वनियों का विकास कारक चिन्हों के रूप में स्वतंत्र शब्दों जैसे ने, को, से आदि का प्रयोग, संयुक्त क्रिया तथा मराठी आदि आर्य भाषाओं में तीनों लिंगों का अब तक का प्रयोग मूलतः द्रविड़ भाषा के प्रभाव के कारण ही है। कहने का मतलब ये है कि ये विद्वान ये कहना चाहते हैं कि अनेक विद्वानों के अनुसार संस्कृत तथा उससे निकली हिंदी आदि भाषाओं में ट वर्गीय, अनेक विद्वानों के अनुसार संस्कृत और उससे निकली हिंदी आदि भाषाओं में ट वर्गीय ध्वनियों का विकास, ठीक है। कौन सी? ट वर्गीय। कारक चिन्हों के रूप में स्वतंत्र शब्दों, जो कारक चिन्ह हैं उनमें स्वतंत्र शब्दों जैसे ने, को, से आदि का प्रयोग और संयुक्त क्रिया तथा मराठी आदि आर्य भाषाओं में तीनों लिंगों का, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और उभयलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग, सॉरी, आर्य भाषाओं में तीनों लिंगों का अब तक का मूलतः द्रविड़ परिवार के प्रभाव के ही कारण हैं। मतलब इन्हीं का ही प्रभाव, द्रविड़ परिवार का ही प्रभाव पड़ा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे चीनी परिवार। नेक्स्ट कौन सा है? चीनी परिवार। चीनी परिवार, इस परिवार का मुख्य क्षेत्र चीन, श्याम, तिब्बत, बर्मा, भारत के उत्तरी सीमा के आसपास का क्षेत्र। इसकी मुख्य भाषाएं चीनी, स्यामी, बर्मी, तिब्बत और भारत में मणिपुरी, गारो, बोडो, नागा, नेवारी। ये भाषाएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि चीनी परिवार में कौन सी हैं द्रविड़ भाषा में, तो ये भाषाएं आप ध्यान रखना कहाँ पर कौन सी है, ठीक है। तिब्बत मुख्य भाषाएं चीनी, सामी, बर्मी और तिब्बती, और भारत में मणिपुरी, गारो, बोडो, नागा और नेवारी आदि है। फिर नेक्स्ट पढ़िए सेमेटिक परिवार। नेक्स्ट कौन सा है? सेमेटिक परिवार। यह परिवार अरब, मिस्र, मोरक्को तथा इसके आसपास के प्रदेशों, उत्तरी अफ्रीका, पास के एशियाई भागों से फैला हुआ है। हिब्रू, अरबी आदि इसकी प्रमुख भाषाएं हैं।
मूल बाइबल इसी परिवार की प्राचीन हिब्रू भाषा में लिखी गई है। तो बाइबल कौन सी भाषा में लिखी गई है? हिब्रू भाषा में लिखी गई है, क्योंकि सेमेटिक परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है? अरब, मिस्र, मोरक्को तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी अफ्रीका तथा पास के एशियाई भागों में फैला हुआ है। सेमेटिक परिवार, सेमेटिक परिवार कितने भाग, कौन कौन से भागों में? अरब में, मिस्र, मोरक्को और इसके आसपास के प्रदेशों तथा उत्तरी अफ्रीका और पास के एशियाई भागों में फैला हुआ है। और यहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिब्रू और अरबी यहाँ की मुख्य भाषा है। कौन सी इसकी यहाँ की मुख्य भाषा है? हिब्रू और अरबी। मूल बाइबल जो बाइबल लिखी गई है वो इसी परिवार की प्राचीन भाषा हिब्रू भाषा में लिखी गई है। कुछ लोग सेमेटिक और हेमेटिक को एक ही परिवार की दो शाखाएं मानते हैं, ठीक है। वैसे ये है अलग अलग, लेकिन कुछ लोग इसको सेमेटिक और हेमेटिक को एक ही परिवार की दो शाखाएं मानते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेमेटिक परिवार। ये उत्तरी अफ्रीका, ये कहाँ है? इसका क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका और इसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राचीन मिस्री, सोमाली, कार्पिटिक, नामा, फुला। इसकी कौन कौन सी प्राचीन भाषाएं हैं? प्राचीन मिस्री, सोमाली, कार्पिटिक और नामा, फुला आदि। इस परिवार, यह परिवार कई बातों में सेमेटिक परिवार से मिलता जुलता ले रख लगता है, इसीलिए इन दोनों को, सेमेटिक और हेमेटिक को, एक दो शाखाएं मान लिया गया एक ही परिवार की, ठीक है। कोई बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आग्नेय परिवार। यह परिवार प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के द्वीपों और भारत के कुछ भागों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख भाषा मुंडा, मलय और नोकोबारी है। यह परिवार का प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ठीक है, द्वीपों में, भारत के कुछ भागों में फैला हुआ है और इसकी भाषा मुंडा, मलय और नोकोबारी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूराल अल्टाइक। कौन सी भाषा है? कौन सा परिवार है? यूराल अल्टाइक परिवार। इसके कुछ विद्वान एक परिवार को कुछ यूराल और अल्टाइक परिवारों का एक समुदाय मानते हैं, ठीक है। इसे कुछ विद्वान क्या मानते हैं? एक परिवार और कुछ यूराल और अल्टाइक परिवारों का एक समुदाय मानते हैं। इसकी भाषा यूराल और अल्टाइक के बीच में तुर्की, फिनलैंड आदि में बोली जाती है। इनकी भाषाएं यूराल और अल्टाइक के बीच में, ठीक है, मध्य भाग में, तुर्की, फिनलैंड आदि में बोली जाती है। इनकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, तुर्की, उज्बेक और हंगेरियन फिनिश। आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो है, एक तो ये परिवार किसके क्षेत्र में है, फैला हुआ है और यहाँ की बोलियाँ कौन सी हैं, बस यही ध्यान रखना है। और मुख्य हमें जो भारोपीय परिवार का पूरा ध्यान रखना है और कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है उसका। अब बांटू परिवार में यह परिवार मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका का एक जंजीवार द्वीप में फैला हुआ है और इसकी भाषा काफीर सवाहिली है। और इसकी भाषा कौन सी है? देखिए, बांटू परिवार की भाषा कौन सी है? काफीर और सवाहिली। अब नेक्स्ट है अमेरिकी या रेड इंडियन परिवार। कौन सा है नेक्स्ट? अमेरिकी या रेड इंडियन। यह परिवार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैला है। यह यहाँ के आदिवासियों की भाषा परिवार है, यहाँ के आदिवासियों की भाषा है ये रेड इंडियन परिवार। अथबस्कन, करीब, एक्सिकमो, मय आदि इनकी मुख्य भाषा है। कौन सी? अथबस्कन, कवि, करीब, एस्किमो और मय इनकी मुख्य भाषा है। इस बात पर अभी तक विवाद है कि सारी भाषाएं एक ही परिवार की हैं या कई परिवारों की। अधिकांश लोग इन्हें कई परिवारों का एक समूह मानते हैं। क्या मानते हैं? कि बहुत सारे परिवार हैं जिनका एक ये समूह बन गया है। फिर नेक्स्ट परिवार है काकेकस परिवार। इसको काकेशस भी कहते हैं और काकेसस भी कहते हैं, ठीक है। काकेशस परिवार, इसका कृष्ण सागर और कैप्सियन सागर के बीच में काकेसस का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसकी अनेक भाषाएं विकसित हुई हैं, जिनकी मुख्य भाषाएं जॉर्जियन है। इसकी मुख्य भाषा कौन सी है? जॉर्जियन है, ठीक है। नेक्स्ट है सूडानी परिवार। नेक्स्ट कौन सा है? सूडानी परिवार। अफ्रीका के भूमध्य रेखा के उत्तर भाग, 425 भाषाओं के इस परिवार को कुछ लोग एक परिवार और कुछ कई परिवारों का एक वर्ग मानते हैं। अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका क्षेत्र है।
होसा, मदवा आदि इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। नेक्स्ट है बुशमैन परिवार, दक्षिणी नेक्स्ट कौन सा है, बुशमैन परिवार दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासियों की भाषा इसके अंतर्गत है। इस परिवार का क्षेत्र आरेज नदी से लेके नगामी झील तक है। इस परिवार का क्षेत्र क्या है, आरेज नदी से लेके कौन से नदी से लेके आरेज नदी से लेकर के नगामी झील तक है। और यहाँ पर कौन सी भाषाएं हैं, बुशमैन, नामा, होते तोत आदि इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। फिर नेक्स्ट है जापानी कोरियाई परिवार, फिर नेक्स्ट कौन सा है, कौन सी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार। देखिए यह परिवार जापान, कोरिया और आसपास के द्वीपों में फैला है। पहले ये दोनों अनिश्चित परिवार की भाषाएं मानी जाती थी, अब दोनों एक ही परिवार की मानी जाती हैं। जापानी कोरियाई क्या था, आसपास के द्वीपों में फैला हुआ है। पहले ये दोनों अनिश्चित परिवार की भाषाएं मानी जाती थी, लेकिन अब दोनों एक ही परिवार की मानी जाती हैं। और नेक्स्ट देखिए, इस तरह हिंदी संसार के भाषा समूह में भारोपीय परिवार की सतम शाखा की भारत ईरानी अर्थात आर्य उपशाखा भी भारतीय शाखा की एक आधुनिक भाषा है। ठीक है, इस तरह क्या है कि जो हिंदी संसार के भाषा समूह में भारोपीय परिवार, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसमें दो शाखाएं थी, सतम और केतु। ठीक है ना, भारोपीय परिवार की सतम शाखा की भारत ईरानी है अर्थात आर्य उपशाखा, भारत ईरानी अर्थात आर्य उपशाखा की भारतीय शाखा की एक आधुनिक भाषा है। तो जो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हमेशा प्रश्न बनता हुआ आया है भारतीय भाषा, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी थर्ड नंबर की जो क्लास होगी हम उसमें हम ये पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं। तो आप कल भी ज़रूर क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।